नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजपुर नगर में निकाय चुनाव में वार्ड 2 के जितेंद्र मेहरा रहे सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी। अप्रत्यक्ष प्रणाली के नगरीय निकाय चुनाव में अच्छों का पासा पलट कर रख दिया, जिसमें राजपुर नगर वार्ड 2 जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, जिसे इस बार 4 प्रत्याशी ने एक साथ लड़ा, लेकिन इस बार जनता ने भाजपा मय वार्ड को कर दिया, जिसमें इस बार की प्रत्याशी जितेंद्र मेहरा 400 वोटों से जीते हैं। ये आंकड़ा पूरे नगर के 15 वार्डों में सर्वाधिक रहा। वार्ड में खुशी की लहर दौड़ उठी। इस वार्ड में बड़े बड़े दिग्गज नेता लगे हुए थे, लेकिन फिर भी सभी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं जनता का आभार व्यक्त कर जनता के साथ खड़े रहने का कर्तव्य निभाने की बात पार्षद जितेंद्र मेहरा ने की, और भाजपा कार्यकर्ताओं देवतुल्य मतदाताओं का आभार माना। इस बार जनता ने साबित कर दिया, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा, और जनता ने असली हकदार को पार्षद बना दिया। इस बात को लेकर सभी जनता का आभार जाती है। वार्ड क्रमांक 2 भारी बहुमतों से 400 वोट जीते हो, क्या इतिहास रहा, कैसे रहा, कितना इतने वोट कैसे मिले? जी बिल्कुल, वार्ड क्रमांक 2 में जो हम चुनाव जीते हैं, ये एक ऐतिहासिक जीत थी इस वार्ड की। विगत कई वर्षों से, जहाँ तक मुझे ध्यान है, लगभग 30-40 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद निर्वाचित नहीं हो पाया था। लगातार कांग्रेस की यहाँ पर सरकार रही थी वार्ड नंबर 2 में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार के जो चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी बड़वानी जिले में नगरीय निकायों में चुनाव लड़ी है और वोट मांगे विकास पे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की रीतिनीति और उनकी विचारधारा से ये चुनाव लड़ा गया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय जितेंद्र भाई मेहरा, जो कि हमारे वार्ड के आज नवनिर्वाचित पार्षद हैं, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हैं। और लगातार कई वर्षों से हार मिलती आई थी इस वार्ड के अंदर, लेकिन इस बार 15 के 15 वार्ड जो थे हमारे, उसमें से 11 वार्ड हम जीते हैं, और 11 वार्ड में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी जितेंद्र भाई मेहरा जीता है चुनाव। और सिर्फ माननीय मोदी जी के कार्यों पर, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं पर, शिवराज सिंह चौहान जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में चल रही है, उन पर ये चुनाव हमने लड़ा था। और हमारे प्रत्याशी का स्वभाव और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो मतदाताओं का जो विश्वास है, राजपुर नगर परिषद के, उनके दम पर चुनाव जीते। इस चुनाव में मैं चुनाव को प्रभारी रहा था, मेरे साथ मेरे 2 प्रभारी दिनेश सेन जी, मनोहर रोमड़े जी, अनिल भड़ोड़ जी और पवन यादव जी के साथ अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिसमें इस वार्ड के अंदर निवासरत पूर्व सांसद जी हमारे सुभाष पटेल जी का सहयोग रहा। इस वार्ड में निवासरत हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल के जो अध्यक्ष है राजपुर के, जितेंद्र यादव खड़की जी, और जितेंद्र यादव जी जो पूर्व नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी वार्ड में कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान विधायक आदरणीय बाला बच्चन जी निवास करते थे, लेकिन उन सब को नकारते हुए जनता ने जितेंद्र मेहरा जी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी पर विश्वास करके, और हमको भारी बहुमत से 400 वोटों से, जो कि सर्वाधिक 15 वार्डों में सर्वाधिक वोट हैं, ऐसे वोटों से हमको जिताया है। मैं अपनी ओर से नगर परिषद राजपुर जो बनने वाली है उसकी ओर से, भारतीय जनता पार्टी बड़वानी की ओर से, और अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला बड़वानी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी मंडल राजपुर की ओर से, मैं पूरे समस्त मतदाताओं को मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।